3 साल पहले की बात है, 23 जुलाई 2018 को लोकसभा में तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने एक सवाल के जवाब में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शिक्षक पदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2018 तक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 17,092 शैक्षिक पदों में से 5,606 पद खाली हैं। शैक्षिक पद यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद। अब इसे एक साल आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद फिर से एनडीए की सरकार बनती है। इस सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा मिलता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। 24 जून 2019 को लोकसभा में डॉक्टर निशंक बताते हैं कि 1 अप्रैल 2019 तक देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17,834 शैक्षिक पदों में से 11,115 पद पदासीन है, यानी कि 17,834 शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर 11,115 शिक्षक काम कर रहे हैं, बाकी के पद खाली हैं और ये संख्या है 6,719। अब एक और साल आगे बढ़ते हैं, 14 सितंबर 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षिक पदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों की संख्या 6,210 है। और अब इस साल की बात करते हैं, हर साल की तरह 2021 में भी डेटा आया। 22 जुलाई 2021 को राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 18,911 शैक्षिक पदों में से 6,136 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा 846 पद दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 598 और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 422 पद खाली हैं। 12 दिन बाद यानी 3 अगस्त 2021 को एक और डेटा आया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में कैटेगरी वाइज रिक्त शैक्षिक पदों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी कैटेगरी के टीचिंग स्टाफ के लिए कुल 5,737 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 2,389 पद खाली हैं। इसी तरह एसटी कैटेगरी के 3,097 स्वीकृत पदों में 1,199 पद खाली हैं, जबकि ओबीसी के 7,815 स्वीकृत पदों में से 4,251 पद खाली हैं। 2018 में 5,606, 2019 में 6,719, 2020 में 6,210 और 2021 में 6,136 शैक्षिक यानी टीचिंग स्टाफ के पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली रहे। ये पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा है जो केंद्र सरकार की ओर से देश की संसद में दिए गए। मोटा माटी करीब 5,500 से 6,000 पद लगातार पिछले 3 सालों से खाली पड़े हैं। सरकार खुद ये बात बताती है और साथ में ये भी कहती है कि जल्दी ही ये पद भर भी लिए जाएंगे। कितनी जल्दी, ये आप खुद मंत्रियों से सुन लीजिए। 26 जुलाई 2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा, हमने सभी यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी जॉब है कि आने वाले 3 साल में सारी वैकेंसीज को पूरा करना, यह हमने उनको कहा है। अभी एक व्यवधान आया और जो सामाजिक न्याय के लिए हमने भी उसमें ये काम किया कि 6 महीने पहले जो सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिससे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण पर अच्छा प्रभाव नहीं उल्टा प्रभाव हो रहा था, यानी उनके आरक्षण कम हो रहे थे, तो सरकार ने डटकर भूमिका ली कि किसी भी हालत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण पर आज नहीं आने देंगे और लाने भी नहीं देंगे। और इसलिए हमने 2 SLPs दायर की है और उसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि अभी SLP का 13 अगस्त को निर्णय होगा, तब तक रुको, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इसी को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ये भर्ती करनी चाहिए और हमने 3 साल का पीरियड दिया है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जिन 3 सालों की बात कही थी वो बीत चुके हैं। इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया, नई सरकार बन गई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय हो गया, 3-3 मंत्री बदल गए। जावड़ेकर साहब के बाद निशंक जी और उनके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली पड़े इन पदों की संख्या जस की तस रही।
ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में शिक्षकों की कमी को लेकर पूछे जाने वाले सवालों की गंभीरता हमारे मंत्रीगण नहीं समझते हैं। जब डॉक्टर निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री थे तब खुद उन्होंने कहा था कि ये स्वाभाविक चिंता है कि अगर अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। 12 जुलाई 2019 को डॉक्टर निशंक का लोकसभा में दिया ये बयान सुनिए। नियुक्तियां हमने कह दिया है अगले 6 महीने के अंदर अंदर सभी पद रिक्त पदों को भरा जाएगा, ये बहुत ताकत के साथ किया है और उसके लिए बिल लाए श्रीमान, जो भी संशोधन करना था उस संशोधन को भी किया। लेकिन जिन भी माने सदस्य की ये चिंता है, स्वाभाविक चिंता है श्रीमान, कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। लेकिन उसकी कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ थी, अब वो वैधानिक कठिनाइयाँ भी दूर हो गई हैं, हम युद्ध स्तर पर इनको करेंगे श्रीमान। हाँ हाँ कर दिया हमने तो एक्ट में ही बोल दिया था, फिर दोबारा बोल रहे कि जल्दी से जल्दी सभी पदों को भरा जाएगा। डॉक्टर निशंक की बात से शायद ही कोई असहमत हो। सीधी सी बात है कि जब विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाई होगी कैसे। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हमारे विश्वविद्यालय कैसे दुनिया भर के शानदार संस्थानों के साथ होड़ कर पाएंगे। सरकार हर बार ये कहती है कि जल्दी पद भर लिए जाएंगे, अब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन फिर पता नहीं कौन सी ऐसी अड़चन आ जाती है कि भर्ती नहीं हो पाती है और हर साल वही पुराना जवाब दोहरा दिया जाता है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी गौरव ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।